हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन मेथड ऑफ डाई एथिल ईथर, यानी डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि यानी लैबोरेटरी मेथड ऑफ डाई एथिल ईथर। अब लैब में हम डाई एथिल ईथर कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो डाई एथिल ईथर बनाते कैसे, सबसे पहले समझ लेते हैं लैबोरेटरी मेथड क्या होता है। ये लैबोरेटरी मेथड होता है हमारा डाई एथिल ईथर बनाने का, और ये हमारी रिएक्शंस हैं जो लैबोरेटरी मेथड में जिससे हम लोग डाई एथिल ईथर बनाते हैं। देखते हैं डाई एथिल ईथर बनता कैसे है। तो डाई एथिल ईथर क्या होता है कि जब एथिल अल्कोहल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या होता है, रिएक्शन करता है। तो जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है और वॉटर बनाता है, ठीक है? उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को यानी C2H5HSO4 को ले लेते हैं और फिर से उसकी रिएक्शन किसके साथ कराते, एथिल अल्कोहल के साथ कराते, लेकिन टेम्परेचर कितना हो जाता है, 140 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? अब उसके बाद में क्या होगा कि जब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट एथिल अल्कोहल के साथ में इस टेम्परेचर पर रिएक्शन करेगा तो क्या बनता है, डाई एथिल ईथर बनता है और ये क्या हो जाता है, H2SO4 हो जाता है, ठीक है? इसी चीज को हम देख लेते हैं लैबोरेटरी मेथड में, यानी यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। तो लैबोरेटरी मेथड की अगर हम बात करते हैं तो लैबोरेटरी मेथड में देखो कौन कौन सी चीजें यूज की जाती हैं। तो यहाँ पर एक बर्नर लगा हुआ है, ठीक है? ये यहाँ पर एक डिस्टिलाइजेशन फ्लास्क है और ये फ्लास्क सैंड पर रखा हुआ है, ठीक है? ये सैंड फ्लास्क में रखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पर सैंड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है तो सैंड पॉट का यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं आगे। अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि ये जो हमारा फ्लास्क है, इस फ्लास्क में हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं एथिल अल्कोहल और H2SO4, ठीक है? यानी यहाँ पर सबसे पहले हम क्या रख देते हैं, यहाँ पर H2SO4 रख देते हैं, इस फ्लास्क में भर देते हैं और ऊपर से यहाँ पर क्या कर देते हैं, जो ये हमारी थिसल फनल है, इस थिसल फनल में क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल को भर देते हैं और फिर ये एथिल अल्कोहल बूंद के रूप से यहाँ पर धीरे 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 नीचे आता रहता है, ठीक है? अब इस थिसल फनल के पाइप को हम क्या कर देते हैं, इसमें डीप्ड कर देते हैं H2SO4 में, ठीक है? यहाँ पर डीप्ड इसलिए कर देते हैं ताकि ये अगर ऊपर रहेगा तो जो गैस बनेगी वो ऊपर जा सकती, अभी अंदर डूबा रहेगा तो गैस बनने के बाद में फिर से बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है? डीप कर देते हैं। यहां से क्या होता है कि जब एथिल अल्कोहल और कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलता है, ठीक है, तो फिर क्या बनता है हमारा, डाई एथिल ईथर, जो क्या होता है, काफी गर्म होगा, ठीक है? उसके बाद से यहां से डाई एथिल ईथर ये यहां से जाएगा, इस पाइप से होता हुआ आगे की ओर जाएगा, ठीक है? यहां से क्या किया जाएगा, वाटर एंटर कराया जाएगा, ठीक है? और यहां से वाटर निकलेगा, ठीक? आगे चल करके ये हमारा जो डाई एथिल ईथर आएगा इधर से होता हुआ ये यहां पर आएगा, ठीक है? यहां पर देखा हुआ एक छोटा सा फ्लास्क रखा हुआ है, ठीक है? इस फ्लास्क के चारों ओर क्या लगी हुई है, आइस बॉक्स टाइप का लगा हुआ है, यानी बर्फ लगी हुई है, ठीक? क्यों? क्योंकि जो हमारा ईथर आएगा वो काफी क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है? अब यहां से जब ईथर आएगा तो यहां पर इस बॉक्स के अंदर यानी इस फ्लास्क के अंदर हमारा ईथर स्टोर हो जाता है और ये आइस चैम्बर इसलिए लगा देते ताकि इसको ठंडा बना सके, ठीक है? फिर उसके बाद में हम क्या कर लेते हैं, इस सिंक के माध्यम से इस ईथर को चाहे तो बाहर निकालते रहते हैं, ठीक है? तो ये हमारा डायग्राम था डाई एथिल ईथर, यहां पर ये स्टैंड होता है, यहां से हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं और यहां पर एक चीज देख लीजिएगा, यहां पर थर्मामीटर लगा हुआ है, ठीक है? ये थर्मामीटर, तो थर्मामीटर इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें यहां पर टेम्परेचर क्या करना होता है, इंक्रीज करना होता है, ठीक है? पहले देख लीजिएगा यहां पर 100 होगा तब ये रिएक्शन होगी, उसके बाद में 140 यानी 140 होगा और तब जाकर के हमारा क्या होगा, डाई एथिल ईथर बनेगा, ठीक है? तो यहां पर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए थर्मामीटर का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है? ये स्टैंड होता है और यहाँ पर ये बर्नर होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसको हीट देते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है? तो ये है हमारा लैबोरेटरी मेथड ऑफ डाई एथिल ईथर बनाने की
लेबोरेटरी मेथड या फिर प्रयोगशाला विधि।